बिग बॉस के सीजन 16 में एमसी स्टैंड को लेके आया है इस रैपर का बड़ा बयान। कह दी एमसी स्टैंड को घर से निकालने की बात, आखिर क्यों फैंस भड़क गए इस रैपर पे। चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बिग बॉस के घर में एमसी स्टैंड का कंट्रीब्यूशन बहुत दिन पे दिन कम होते जा रहा है, जिसके बाद इस वीक एक बार फिर एमसी स्टैंड को नॉमिनेट कर दिया गया है। वैसे तो एमसी स्टैंड 4 वीक के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इस बार नॉमिनेशन के बाद ये जताया जा रहा है कि एमसी स्टैंड हो सकते हैं बिग बॉस के घर से आउट, जिसके बाद लगातार फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो एमसी स्टैंड अपना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे, घर में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करे, या तो फिर इनको घर के बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच एमी वे बंटाए, जो कि इन्हीं के रिवाइवल रैपर हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है, जिसको लेके फैंस एमसी स्टैंड के फैंस भड़क गए हैं और कह दी ये बड़ी बात। दरअसल एमी वे बंटाए ने एमसी स्टैंड को लेके ऐसी बात कह दी है जिसके बाद आप भी हो जाएंगे शॉक। रैपर एमसी स्टैंड को लेके एमी वे ने कहा है कि जिस तरीके से एमसी स्टैंड का कम से कम कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरा भाई इस शो में और भी ज्यादा दिन तक टिक सकता है। एमी वे बंटाए और एमसी स्टैंड के बीच में नोकझोंक तो हमेशा से ही होती रहती है, लेकिन एमी वे बंटाए ने इस बार कह दिया है कि जिस तरीके से एमसी स्टैंड बिग बॉस के घर में बिल्कुल साइलेंट हो गया है, एमसी स्टैंड का किसी भी चीज में किसी भी गेम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इस घर में और भी ज्यादा दिन तक रहना चाहिए। जिसके बाद एमसी स्टैंड के फैन जो है वो एमी वे बंटाए को ये कहते हुए नजर आए कि एमसी स्टैंड को कोई जरूरत नहीं है कॉन्टेंट कि अगर एमसी स्टैंड बाहर भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका क्या है ओपिनियन, बताइए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है, क्या एमसी स्टैंड को वाकई घर से बेघर कर देना चाहिए, या आपको लगता है कि जी नहीं अभी तो एमसी स्टैंड को घर में बने रहना चाहिए। बताइए अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।